जो भी छात्र 2023 में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उन सभी छात्र छात्राओं का ऑफिशियल जो है ना फाइनल एग्जाम का रूटीन जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड के तरफ से। ये ऑफिशियल रूटीन है, इसी दिन से आपका परीक्षा होगा और सारा का सारा यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑफिशियल बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से जो है ना अभी का अभी जारी करके रूटीन बताया जा रहा है कि आपका जो ना मैट्रिक का जो परीक्षा है वो किस दिन से होगा और कब से कब तक चलेगा, समझे, किन किन बातों का सावधानी बरतना है और सारा का सारा यहाँ पर गाइडेंस जारी कर दिया गया है, समझे। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना आपका जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा जो है 2023 में जो मैट्रिक का जो परीक्षा होने वाला है उन बातों में जो है यहाँ पर इन रूटीन में जो जारी किया गया है ये बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से जारी करके यही बताया जा रहा है कि आपका जो है प्रथम पाली में मैट्रिक का और द्वितीय पाली में मैट्रिक का जो परीक्षा होगा उसका विषय कोड क्या होगा, किस दिन से जो है ना एग्जाम होगा, सारा का सारा यहाँ पर रूटीन जारी कर दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम समझेंगे और सारा का सारा जानकारी इसमें दिया गया है। और यदि आपको डाउनलोड करना है इस रूटीन को तो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताऊंगा। और यहाँ देख सकते हैं क्लियर वाइज जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है 2022 और यहाँ पर लिखा हुआ माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2000 क्या लिखा हुआ है 23 देख सकते हैं। और यहाँ पर कार्यक्रम परीक्षा कार्यक्रम के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एक एक जानकारी हम देंगे और ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। कहता है 14 तारीख को जो है 14/2/2022 यानी कि फरवरी में 14/2/2022 को प्रथम पाली में जो है ना आपका जो परीक्षा हुआ वह गणित का परीक्षा होगा, देख सकते हैं। और इसका जो विषय कोड होगा वह 110 होगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिए, ये जो परीक्षा चलेगा 9:30 बजे चलेगा, 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक प्रथम पाली का परीक्षा चलेगा। वही द्वितीय पाली में जो है यहाँ पर गणित का परीक्षा होगा और यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि मैथ का परीक्षा होगा और 210 कोड आपको मिलेगा द्वितीय पाली में, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। किसी तरह का अगर क्वेश्चन पेपर आउट होगा तो यही ध्यान आपको याद रखना है कि यहाँ पर 210 जो है ना गणित जो है ना दूसरा पाली में होगा 210 और प्रथम पाली में 110 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए और नीचे आएंगे और यहाँ पर 1:45 द्वितीय पाली में जो परीक्षा होगा 1:45 से स्टार्ट होगा जबकि 5 बजे तक आपका द्वितीय पाली का परीक्षा गणित का चलेगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर दूसरा पॉइंट में यहाँ पर दर्शाया गया है कि 15/2/2023 में जो है ना 23 को जो है ना जो फरवरी का एग्जाम होगा वो दिन जो होगा वो बुधवार का दिन होगा, मंगलवार से आपका परीक्षा स्टार्ट हो रहा है 14 तारीख को और बुधवार को जो है द्वितीय पाली में जो प्रथम पाली में यहाँ पर बुधवार को ये जो विज्ञान का परीक्षा होगा उसके लिए जो है ना यहाँ पर विषय जो कोड दिया गया है 112 होगा और यहीं देख सकते द्वितीय पाली में 212 होगा, ठीक है। आपका जो परीक्षा चलेगा 9:30 से लेकर 12:15 तक चलेगा प्रथम पाली का और द्वितीय पाली का वही समझे 1:45 से लेकर 4:30 तक चलेगा। आप पूछोगे सर इसमें है ना डिस्टेंस कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है ना प्रथम पाली में जो है यहाँ पर 12:45 तक चला था लेकिन यहाँ पर 12:15 बता रहे हैं, तो देखिए इसमें जो है ना 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए जो है ना आपका 20 मार्क्स जो कट गया इसके लिए आपको 30 जो है ना मिनट काट दिया गया है, ठीक है, क्लियर समझना है। यहाँ बढ़ेंगे और क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते 16 तारीख को जो है ना यहाँ पर 16/2/2023 को आपका सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा और यहाँ पर जो है इसमें भी 80 मार्क्स आपको मिलता है, तो 9:30 से स्टार्ट होगा और 12:15 पर चलेगा, 15 मिनट तक चलेगा और 111 जो है ना आपको विषय कोड मिलेगा। यहाँ पर बढ़ेंगे 211 विषय कोड मिलेगा सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, द्वितीय पाली में, ठीक है, क्लियर समझिए। और नीचे बढ़ेंगे और नीचे यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं 17 तारीख को आपको अंग्रेजी का परीक्षा है और प्रथम पाली में जो है ना 17 तारीख को 113 कोड दिया जाएगा और द्वितीय पाली में 213 कोड दिया जाएगा इंग्लिश का परीक्षा, ठीक है, अंग्रेजी का परीक्षा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 20 तारीख की बात किया जाए तो देखिए 20 तारीख को जो है ना मातृभाषा है, जो छात्र जो है ना संस्कृत लिए होंगे उनका जो है ना प्रथम पाली में हिंदी का एग्जाम है और जो छात्र उर्दू लिए होंगे उनका उर्दू का एग्जाम है और जो छात्र छात्राएं जो है ना वो मैथिली और लिए होंगे उनका मैथिली का एग्जाम है, याद रखेंगे। उसका विषय कोड हिंदी का 101 होगा और बंगाली का जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं बंगाली का 102 होगा, उसके बाद उर्दू का 103 हो जाएगा, उसके बाद जो है ना मैथिली का 104 हो जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। उसी तरह है द्वितीय पाली में भी जो है ना सेम एग्जाम होगा, यहाँ पर है ना विषय कोड सिर्फ जो है ना 201 होगा और बंगाली का 202 हो जाएगा, हिंदी का 201, बंगाली का 202, उसके बाद उर्दू का जो है ना 203, उसके बाद जो है ना यहाँ पर 204 हो जाएगा मैथिली का, क्लियर समझना है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और नीचे जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं
इक्कीस तारीख को देखेंगे तो 21 तारीख को यहाँ पर दर्शाया गया है कि 21/2/2023 को जो ना द्वितीय भारतीय भाषा है, जो छात्र हिंदी लिए होंगे उनका संस्कृत का एग्जाम होगा, ठीक है, जो छात्र हिंदी लिए होंगे उनका संस्कृत का एग्जाम होगा, जो छात्र मैथिली और उर्दू ध्यानपूर्वक समझिए, मैथिली और उर्दू लिए हुए उनका जो है ना यहाँ पर नॉन हिंदी का एग्जाम होगा, ठीक है, क्लियर समझना है, समझे, नॉन हिंदी का एग्जाम होगा, ठीक है, यहाँ पर दर्शाया गया, देख सकते हैं, उसके लिए जो है यहाँ पर देखते हैं हिंदी भाषा के लिए जो है ना यहाँ पर संस्कृत जो है ना छात्र लिए होंगे, जो संस्कृत लिए होंगे उनका 105 विषय कोड होगा, और जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं जो उर्दू लिए होंगे, जो नॉन हिंदी लिए होंगे नॉन हिंदी, उसका 106 विषय कोड होगा, ठीक है, क्लियर समझना है, संस्कृत के 105 विषय कोड होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि जो है ना काफ़ी सारे छात्र ऐसे होते हैं जो जिस समय वायरल क्वेश्चन होता है तो उस समय आनन खानन और उसके बाद जो है ना किसी तरह का कोई क्वेश्चन उठा के भाग जाते हैं, उसका आंसर लिख के चले जाते हैं, जिसके कारण जो है सभी छात्र छात्राएं फेल हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से आपको गलती नहीं करना है। द्वितीय पाली में भी सेम है, समझिए, उसमें जो है ना विषय कोड संस्कृत का 205 होगा और नॉन हिंदी का 206 हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जो छात्र ऐच्छिक विषय लिए होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐच्छिक विषय में जो है सभी का सभी यहाँ पर जानकारी दिया है, जो गणित लेंगे, वजन विज्ञान लेंगे, अर्थशास्त्र लेंगे, मैथिली लेंगे, या गृह विज्ञान लेंगे, सारा का सारा यहाँ पर ललित कला लेंगे, सेम टू सारा का सारा कोड दिया गया है, समझे, इस कोड को आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है, ठीक है, यहाँ पर और आगे की एक निर्देश जारी करके बताया जा रहा है, इस निर्देश को समझिए ध्यानपूर्वक, ठीक है, आपको जो है ना सभी पालियों में जो है ना आपको प्रश्न पत्र जो है ना पढ़ने के लिए आपको 20 मिनट जो है ना शुरू में दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए वो जो है ना आप जो है ना 3 घंटा जो समय मिलेगा आपको उसी में ये आपको जुड़ाता है 15 मिनट, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपको जो है ना 15 मिनट जो है ना पहले जो है ना आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद जो है ना आपका समय जो है ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया गया, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है 14/2/2023 को जो मंगलवार को 9:30 से 12 बजे तक जो ना गृहिणी विज्ञान जो ना जो ऐच्छिक विषय लिए होंगे उसका भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद 15/2/2023 को जो ना यहाँ पर जो ना संगीत जो ना जो लिए होंगे उसका यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझ गए। और नीचे यहाँ पर सारा जानकारी दिया है, इस जानकारियों की यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, क्या क्या चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, सारी जानकारी ना आपको यहाँ पर दर्शा दिया गया है, ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं, अब आपको है ना प्रतियोगिता परीक्षा की जो है ना आपको जो परीक्षा होने वाला है पाठ्यक्रम से जारी करके बताया जा रहा है, ये आपको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आपको है ना कैसे इसका रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जाना है गूगल ब्राउज़र में और सिंपल वहाँ पर सर्च करना है, तो अपने गूगल ब्राउज़र में आ जाना और यहाँ पर सर्च करना है, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर आपको गूगल ब्राउजर में आ जाना और यहाँ पर जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है, क्लियर समझना है, यहाँ पर लिखना है pointofstudy.com, देखिए मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ वही वैसा ही जो ना आपको जो लिखना है, तब जाकर रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा, यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ, लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी, यहाँ पर जो रूटीन आपका जारी कर दिया गया, अनाउंसमेंट कर दिया गया, सिंपल इस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे और सारा जानकारी यहां पर खुल जाएगा, समझे, सारा जानकारी आपको पढ़ लेना है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे देख सकते हैं यहां पर नीचे जो रूटीन मैंने बताया वो यहां पर नीचे आएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे यहां पर जो है लिखा हुआ है डाउनलोड, ठीक है, सिंपल आपको है ना यहां पर देख सकते हैं डाउनलोड पर है ना आपको क्लिक करना है, ठीक है, यहां पर क्या करना है, यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है डाउनलोड, ठीक है, सिंपल यह ना यहाँ पर मैट्रिक एग्जाम रूटीन डाउनलोड यहाँ पर क्लिक लिखा हुआ है, क्लिक हेयर लिखा हुआ है, क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करके है ना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ नहीं डाउनलोड कर सकते तो यहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना रूटीन यहाँ पर दिया है, तो इस पर आपको है ना क्लिक करके रखना है और इस तरह का जो है ना इस पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ से डाउनलोड करेगा तो डाउनलोड करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ मैं फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी हेल्प करने वाला हूँ।